स्वागत है आप सबका अपने चैनल दिव्यश की वीडियो पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों आज की वीडियो को लेके मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बकाडी लेमन रम को लेके और काफी ज्यादा लोगों को वो वीडियो पसंद आई भाई। काफी ज्यादा कमेंट्स भी उस पर आए और व्यूज भी काफी अच्छे खासे आए। तो मैंने देखा कि आप लोगों में काफी बढ़िया क्रेज है इस रम को लेके और सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बकाडी लेमन रम सबसे ज्यादा टेस्टी किस चीज के साथ लगती है। दोस्तों बकाडी लेमन रम में एक स्पेशल फ्लेवर है लेमन का जो कि पीने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कुछ ऐसी चीजें आज इस वीडियो में लेके आया हूं जो कि इस फ्लेवर के साथ काफी अच्छे से जाएंगी, जैसे कि लिमका लेके आया हूं, सेवन अप नींबू मसाला सोडा लेके आया हूं, स्प्राइट लेके आया हूं और नॉर्मल सोडा लेके आया हूं। एक एक करके इन चीजों को मिक्स करेंगे अपनी रम के साथ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज सबसे बेहतर फिट होती है इस रम के साथ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या चीज इसके साथ बेहतर टेस्ट करती है तो प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों पहले नंबर पे हम ट्राई करेंगे नींबू मसाला सोडा को। जी हाँ, इसमें लेमन का भी फ्लेवर आपको काफी अच्छे से आएगा और मसाले का भी फ्लेवर आएगा। तो देखते हैं कि इसके साथ हमारी रम कैसे जाती है। चलिए पहले अपनी रम को पोर करते हैं इसमें। दोस्तों मैंने अपनी रम को पोर कर दिया है, 50 ml मैंने अपनी रम को इसमें डाला है गिलास में। चलिए अब इसको पोर करते हैं क्योंकि अभी ये ठंडी है, फिर ये भी नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों मैं देख रहा हूं कि सेवन अप में बिल्कुल भी एक वो पंच नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल एक नींबू पानी की तरह इन्होंने बनाया है। थोड़ा सा सोडा इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी ड्रिंक में हल्का सा पंच आ जाए। वाओ, देखने में बिल्कुल नींबू पानी जैसी लग रही है, बहुत बढ़िया कलर इसका आया है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स टू एवरीवन। वाओ भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट है। थोड़ा सा नमकीन है, थोड़ा सा टैंगी है, थोड़ा सा मीठा है क्योंकि इसमें अलग से मसाला भी बीच में ऐड किया गया है जो कि आपको इसी में मिलेगा। इस कारण से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया निकल के बाहर आया है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया ड्रिंक है। चलिए अब दूसरी बॉटल को ट्राई करते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे मैं अपनी रम को लिमका के साथ टेस्ट करूंगा। चलिए जल्दी से एक ड्रिंक बनाते हैं। दोस्तों लिमका के साथ हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है, देखने में बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है, बबल्स काफी अच्छे से ऊपर आ रहे हैं। चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं। चीयर्स टू एवरीवन। बेहतरीन बेहतरीन भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं टेस्ट करते करते पूरी बॉटल ही पी जाऊंगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। लिमका के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है और सेवन अप के साथ भी बहुत बढ़िया टेस्ट जा रहा था। चलिए लास्ट मैं अपनी ड्रिंक बनाता हूं स्प्राइट के साथ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से सबसे बढ़िया टेस्ट किस चीज के साथ आया था। दोस्तों लास्ट तीसरे नंबर पे मैं ऐड करूंगा अपनी रम में स्प्राइट को। काफी लोगों के कमेंट आए थे कि भाई स्प्राइट के साथ टेस्ट करिए, बहुत बढ़िया टेस्ट बनता है। तो चलिए एक ड्रिंक स्प्राइट के साथ भी बनाते हैं।
भाइयों स्प्राइट के साथ हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है। इसमें कोई भी कलर नहीं है क्योंकि रम में भी कोई कलर नहीं है और स्प्राइट में भी कोई कलर नहीं आता। काफी अच्छे से बबल्स ऊपर आ रहे हैं। चलिए जल्दी से इसको भी टेस्ट करते हैं। चीयर्स टू एवरीवन। बेहतरीन बेहतरीन। दोस्तों मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये ड्रिंक्स को यहां पे ले आऊं। यहां पे तीनों ड्रिंक्स मेरे पास पड़ी है। इसमें हमने सेवन अप ऐड किया था, इसमें हमने लिमका ऐड किया था और ये वाली में हमने स्प्राइट ऐड की है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा टेस्टी ड्रिंक कौन सी है। भाइयों तीनों ड्रिंक बहुत ज्यादा टेस्टी बनी हैं। जी हाँ, ये नहीं कह सकता कि इन तीनों में से कोई भी ड्रिंक पीने में मजा नहीं दे रही। तीनों का अपना स्वाद है, लेकिन अगर मैं एक चीज की बात करूं तो स्प्राइट का टेस्ट बहुत बढ़िया से बकाडी लिमोन रम के साथ आया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बकाडी लिमोन रम को पीना चाहते हो तो स्प्राइट डालो थोड़ी सी और साथ में उसको टॉप अप करो सोडे के साथ। टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया आएगा। अगर आपकी कोई और रेसिपी है, आप इसको किसी और वे के साथ पीते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस तरह से भी इस रम को ट्राई करना चाहूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।